देखिए, आपने मुझे रोका, मैं रुक गया, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, लेकिन मुझे जाना है। कोई है जिसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे जाना है। और आई एम सो सॉरी कि मैं यहाँ पर ऐसे घूम रहा हूँ आपके घर में। आई डोंट माइंड, इट्स फाइन। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप हमारे घर में इस तरह रोम क्यों कर रहे हो। आई डोंट माइंड, ये भी नहीं पूछूंगी कि आप इतना टेंस्ड क्यों हो। लेकिन लेकिन क्या? आपका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। देखिए, मुझे जाना है, बहुत जरूरी है। मैं प्रीता भाभी, भाभी इन्होंने माँ को प्रीता भाभी कहा, मतलब ये मेरी बुआ है। आपका चेहरा बिल्कुल मेरी प्रीता भाभी की झलक मिल जाए आपसे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। इस जन्म में नहीं सही तो क्या हुआ? अगले जन्म में तो जरूर मिलेंगे। हर जन्म में मिलेंगे प्रीता, हर जन्म में मिलेंगे, कसम से मिलेंगे। प्रीता, 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 आंखें खोलो प्रीता। बाबू जी, इतनी आंख। ये कौन है? इसने तो प्रीता जी जैसे कपड़े पहने। नहीं नहीं, प्रीता जी अंदर नहीं हो सकती, वो यहाँ क्यों आएंगी? लेकिन अगर प्रीता जी हुई तो प्रीता जी यहाँ फंसी हुई है, मुझे मदद बुलानी पड़ेगी उनके लिए। क्या कर राजवीर? होश में आओ प्रीता। उसके आने के बाद से क्या क्या हो गया है यार? रिमेम्बर, हम रोज पार्टी करते थे, बट नाउ ऑल द टाइम उस राजवीर के चक्कर में पड़े रहते हैं। शौर्य लूटा हार मानने वालों में से नहीं है, और हारना मेरी फितरत नहीं है। शर्म नहीं आती? बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हो तुम लोग, एक दूसरे पे सामान फेंक के। ऐसे कोई लड़ता है? राजवीर को मारने जा रहा था तू? इसका नतीजा मालूम है क्या है? कितने लोग परेशान होंगे उससे तुझे ये मालूम है? पालकी को तूने किडनैप किया, उसके घर पे जाके तूने तमाशा किया, वो किसने किया? सब कुछ बदलेगा सैंडी, सब कुछ। शौर्य, क्या हुआ यार? एकदम स्लो, जितना स्लो चलेगी ना उतना ही अच्छा होगा। स्लो चलूंगी तो ये लोग मुझे छोड़ के प्रीता की तरफ नहीं जाएंगे, और वो वहां आग में बच नहीं पाएगी। कोई नहीं पहुंच पाएगा उस तक, और फिर वो जाएगी ऊपर। वंस एंड फॉर ऑल प्रीता से छुटकारा। हे बाबूजी, ये लोग यहाँ
आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, जल्दी जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों के सामने भी नहीं आ सकती, मुझे राजवीर से मिलके उसे बताना होगा कि सीता जी वहाँ आग में, उनकी जान खतरे में। प्लीज जाइए। ये लोग तो जा ही नहीं रहे यहाँ से, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं? आइडिया, पर्दों के पीछे से चिपके जाती हूँ। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? क्या कोई और रास्ता होगा ना यहाँ पर जिससे मैं दरवाजा खोल सकूं, या फिर ये आग? गॉड, आग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पानी, आइडिया। मासी, राजवीर, राजवीर, तुम ये गीला कपड़ा लो। अंकित, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम देख नहीं रही हो कितनी आग लगी हुई है। राजवीर, ये गीला कपड़ा है, तुम्हारे काम आएगा, आग लगी है, इसे ओढ़ लो। मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज आप अपना सर संभाल के। राजवीर संभाल के। राजवीर, मैं आ रही हूँ। नहीं बल्कि तुम वहीं रुको, ओके? मैं अंदर जा रहा हूँ। राजवीर, लेकिन तुम अकेले? नहीं नहीं पलकी, अगर तुम अंदर आओगी और हम दोनों अगर फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बाहर आओगी तो एटलीस्ट हेल्प तो कर पाओगी, और कुछ भी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं आवाज दूंगा तुम्हें, ओके? ठीक है, बट अगर तुम 5 मिनट के अंदर नहीं आए ना तो मैं हेल्प बुला लूंगी, या तो खुद ही अंदर आ जाऊंगी। और अपना फोन अपने पास ही रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके? हाँ, मैं अपना फोन अपने पास ही रखूंगा, तुम टेंशन मत लो, ओके? ऋषभ, मोबाइल ले इसका, इसकी पॉकेट में होगा। मैं देता हूं अपना फोन, ये लीजिए। अगर पलकी को बता दिया कि मेरा फोन मेरे पास नहीं तो इसे और टेंशन हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारे सर के पीछे आग लगी है राजवीर, प्लीज ध्यान से। आपको जो कह रहे हैं आप कहिए, लेकिन आगे खोलिए। मासी, मासी, मासी आप ठीक है? मासी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको बाहर बाहर लेके चलता हूँ। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।